पाकिस्तान ने विश्व कप के इतिहास में पहली बार भारत को मात दी है। टी20 विश्व कप 2021 में रविवार को खेले गए ग्रुप टू के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य रखा था। पाकिस्तानी टीम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की नाबाद अर्धशतकीय पारी से बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य को हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंद में नाबाद 79 रन और कप्तान बाबर आजम ने 52 गेंद में नाबाद 68 रन की पारी खेली। मैच में 3 विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया। रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल सके। केएल राहुल भी फ्लॉप रहे और उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। दोनों विकेट शाहीन शाह अफरीदी को मिला। सूर्य कुमार यादव ने 8 गेंद में 11 रन की पारी खेली। हालांकि इसके बाद कोहली और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 53 रन की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत ने 30 गेंद में 39 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जडेजा भी आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने टी20 विश्व कप में अपना 10वां अर्धशतक जड़ा। कोहली ने 49 गेंद में 57 रन की पारी खेली। अपनी पारी में कोहली ने 5 चौके और 1 छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या ने 11 रन और भुवनेश्वर कुमार ने 5 रन बनाए। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने एक तरफा मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान के 55 गेंद में नाबाद 79 रन और कप्तान बाबर आजम के 52 गेंद में नाबाद 68 रन की मदद से लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं बाबर आजम ने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। पाकिस्तान की टीम ने 17.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। विश्व कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने भारतीय टीम को मात दी थी। टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इससे पहले भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में 5 बार आमने सामने हुई थी और 5 बार भारतीय टीम ने बाजी मारी थी। 6ठे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान की टीम का अगला मुकाबला 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ होगा। वहीं भारतीय टीम अपना अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।